जी हाँ दोस्तों, करते हैं अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। रेडमी एस टू का बॉक्स देखने को मिलता है, रिसर्च पर देखने को मिलती हैं स्पेक्स, मेंशन है 16 मेगापिक्सल विद एआई पावर्ड कैमरा, एलईडी फ्लैश लाइट, और रिसर्च पर आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का एआई पावर्ड कैमरा, जिसका माइक्रोन साइज है 1.2 पिक्सल्स, 5.99 इंच का एचडी डिस्प्ले मिलता है, 625 का आपको प्रोसेसर मिलता है, डुअल सिम कार्ड मिलता है, डुअल सिम कार्ड के साथ आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी देखने मिलता है, फ्रंट पर मिलता है एमआई का लोगो। अब करते हैं अनबॉक्स। तो गाइस ये है फर्स्ट लुक रेडमी एस टू की। सबसे पहले आपको देखने को मिलती है ऊपर मैनुअल बुक, एस टू इन हैंड है रेडमी एस टू। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि ये प्लास्टिक बिल्ड होगा, ऐसा ही हुआ कि प्लास्टिक बिल्ड हुआ। फ्रंट साइड पर रैपर देखने को मिलेगा आपको, जिसमें लिखा होगा स्पेक्स को। अब इसका इसको साइड पे रखेंगे, सबसे देखेंगे पहले कि इसके अंदर आपको एक्सेसरीज क्या मिलती हैं। एक्सेसरीज में मिलता है आपको शाओमी की तरफ से सिलिकॉन कवर, पैकिंग का स्टाइल थोड़ा सा शाओमी की तरफ से चेंज किया गया, और चार्जर देखने को मिलेगा जो कि होगा 5 वॉल्ट और 2 एम्पेयर के साथ। ये चार्जर फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करता, ये फास्ट चार्जिंग नहीं करता। अगर आप इस फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं 3 एम्पेयर और 5 वॉट के साथ और 9 वॉट के साथ, ये फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, क्योंकि 625 का जो प्रोसेसर होता है वो फास्ट चार्जिंग में सपोर्ट करता है। इंजेक्शन सेम देखने को मिलती है। अब एक्सेसरीज को रखते हैं साइड, हैंड्स फ्री देखने को नहीं मिलती शाओमी की किसी भी फ़ोन के साथ आपको। और इसकी स्पेक्स की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 625 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। आपको बैटरी देखने को मिलती है 3080mAh की, और डिस्प्ले देखने को मिलता है 18:9 का, जिसका रेजोल्यूशन होता है 720x1440। नॉर्मल HD फ़ोन होगा ये, ग्राफिक्स में थोड़ा सा मार खाएगा फ़ोन, बाकी ऑल ओवर लुक की बात करें तो काफ़ी कूल है। फिंगरप्रिंट मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि आगे आपको फिंगरप्रिंट स्पीड का भी बता सकूँ कि इसकी स्पीड का क्या मिलती है क्या नहीं। सेटअप को करते हैं कंप्लीट। प्राइस पाकिस्तान में 3GB 32GB की आपको मिलेगी देखने को 20,000 से 21,000 रुपये तक, और 4GB 64GB का जो वेरिएंट होगा वो सपोर्ट करेगा इस वो आपको पैसों जो उसके पैसे होंगे वो 25,000 रुपये। साइड पर आपको देखने को मिलता है ऑन ऑफ की, वॉल्यूम रॉकर की देखने को मिलेगा आपको, इंजेक्टर सिम इंजेक्ट करके दिखाऊंगा। इसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट से देखने को मिलेगा, 2 सिम्स के साथ आप चला सकते हैं मेमोरी कार्ड भी। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है शाओमी की तरफ से, क्योंकि अगर आप 3GB और 32GB का वेरिएंट लेते हैं तो आप कार्ड को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब रैपर को करेंगे ऑफ, रीसेट पर आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है जो होता है 12+5 मेगापिक्सल का, प्लास्टिक मेड केस है। फ़ोन फाइनली दोस्तों ऑन हो गया। ये है फर्स्ट लुक रेडमी एस टू को लेके। डिस्प्ले ग्राफिक्स इतने बेहतर नहीं है, मैं अबाउट सेटिंग में जाके आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको अनबॉक्स करते ही मिलता है 8.1.0 ओरियो। या दोस्तों ओरियो आपको देखने को मिलता है इसके अंदर आपको सेटिंग्स में देखने को मिलता है। प्रोसेसर जो होता है 2.0 GHz पर काम करता है, 8K कोर्स 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर पर काम करती हैं। 3GB की रैम मिलती है, 32GB की रोम मिलती है। फ्रंट पर मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, फुल व्यू डिस्प्ले भी मिल सकता है इसके अंदर। अब अगर नेविगेशन की अपनी जो आपकी कीज़ हैं जो डिस्प्ले पर नीचे आ रही होती हैं आपको रिमूव भी करना कर सकते हैं। पैदल्स काफ़ी मोटे देखने को मिलते हैं ऊपर और नीचे की साइड पर। शाओमी ने थोड़ा सा यहाँ से डिसाइड किया, साइड्स पर भी पैदल्स आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। फिंगरप्रिंट लॉक काफ़ी फास्ट है, अगर आप उसको अनलॉक करते हैं तो फौरन अनलॉक हो जाता है। मुझे ये बताया गया था कि इसकी अनबॉक्स करते ही आपको फेस अनलॉक मिलेगा, लेकिन मुझे फेस अनलॉक देखने को इसमें नहीं मिला। कैमरे की बात करेंगे रियर साइड के, तो आपको टाइमर ऑपरेट मिल जाता है, शिफ्ट मिल जाता है, स्ट्रेटनर मिल जाता है, जो एज यूजुअली शाओमी के हर फोन में आपको ऑप्शन देखने को मिलती है। वीडियो रिकॉर्ड करता है 1080p पर मैक्सिमम, 4K सपोर्ट नहीं करता ये फ़ोन। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं। डिस्प्ले है तो नॉर्मल HD है इसका। पोर्ट्रेट मोड भी आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है शाओमी ने अब कैमरा ऑपरेटिंग के जो ऐप के उसको। एक पोर्ट्रेट में आपको पिक्चर लेके दिखाएंगे, पिक्चर काफी ब्राइटर नजर आ रही है, और अगर नॉर्मल पिक्चर लेते हैं तो काफी बेहतर नजर आता है। सेल्फी की बात करेंगे तो 16 मेगापिक्सल AI बेस्ड कैमरा में विद फ्लैश लाइट आपको कैमरा देखने को मिलता है।
कैमरा रिव्यू मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा एज सून एज पॉसिबल, बिजी बहुत हूँ आजकल, लेकिन इंशाल्लाह आपको ये तो करूंगा। और अगर आप मैं भी बताते जाऊँ, फ्रंट साइड पर अगर आप पोर्ट्रेट ऑन करते हैं तो ये रियर साइड के कैमरे को ऑन कर देता है। फ्रंट पर आपको इसके अंदर पोर्ट्रेट या बुके इफेक्ट फौरन देखने को नहीं मिलता, हो सकता है अपडेट के बाद Xiaomi इसके अंदर इंक्लूड कर दे फ्रंट साइड पर भी कुछ बुके इफेक्ट का पूरा ऑप्शन। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कैमरा रिव्यू है, लेकिन आपको प्रॉपर कैमरा रिव्यू मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और मुझे फॉलो करना है इंस्टा पर और ट्विटर पर। तो चलते हैं इसके एंड की तरफ, याद रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।